नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आ गया अब आपके जीवन के सबसे बड़े मौके। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को बता दें, भगवान का दिया हुआ वरदान साबित होने वाले हैं। मां लक्ष्मी, भोलेनाथ और शनिदेव का दिया हुआ ऐसा वरदान साबित होगा जो कि दोस्तों आप सभी के जीवन काल को पूरी तरह बदल कर रख देगा। जी हां दोस्तों, निवेदन बस इतना है कि दोस्तों आज के इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। जो बातें हम आपको समझाना चाहते हैं, जो बातें हम आपको बताना चाहते हैं दोस्तों, इन्हें ध्यान से सुनकर आप अपने जीवन काल में सभी मौके का लाभ उठाएं। जी दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि वीडियो को प्रारंभ करने से पहले भगवान शनिदेव, माँ लक्ष्मी और हर हर महादेव का स्मरण कर लें। कमेंट बॉक्स में तीनों का नाम लिख दें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अभी कर दें। माँ लक्ष्मी, भगवान शनिदेव और हर हर महादेव जी का सीधा आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि दोस्तों दुख और सुख भाई भाई हैं। लगातार व्यक्ति की जीवन काल में यह चलता रहता है। जब व्यक्ति अच्छा कार्य करता है तो दोस्तों भविष्य में उन्हें सुख की प्राप्ति होती है और ईश्वर भी उनका साथ रहता है। लेकिन दोस्तों जाने अनजाने में जब व्यक्ति गलत कार्य कर देते हैं, जाने अनजाने में बुरे लोगों के चक्कर में फंस जाते हैं, गलत आदतों के चक्कर में फंस जाते हैं, तो दोस्तों उनके जीवन काल में उनके ही हाथों गलत कार्य हो जाते हैं और उनके जीवन काल में दुख की प्राप्ति होने लगती है। तब दोस्तों मनुष्य बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, घबराहट से छाने लगती है। लेकिन दोस्तों मैं आप शुभ बता दें कि आपके जीवन की दोष नहीं बल्कि ग्रहों की बदलती चाल है जो कि मनुष्य के जीवन काल में लगातार बदलाव करते रहते हैं और मनुष्य को जीवन काल में उतार और चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों बुद्धिमान व्यक्ति उस अशुभ समय में भी साधनियों को रखकर आगे बढ़ जाते हैं। जी दोस्तों, इसी प्रकार आने वाले 28 मई से लेकर 6 जून का समय में कुछ ऐसे बड़े परिवर्तन आप सभी के जीवन काल पर होने वाले हैं जिन्हें दोस्तों और आप ध्यान में रखेंगे तो दोस्तों आपके जीवन काल बिल्कुल ही ऊंचाइयों को छूने वाले शब्द होंगे। माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से यश में आपके जीवन काल में धन से जुड़ी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी और दोस्तों भोलेनाथ के आशीर्वाद से यश समेत आपके जीवन काल से सभी प्रकार की परेशानियां दूर होने वाली है। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि भगवान शनिदेव को कर्मों के दाता माने जाते हैं। यह व्यक्ति के कर्मों को देखकर उन्हें फल देते हैं और दोस्तों आने वाले समय में आपको बहुत ही अच्छा परिणाम देने वाले हैं जिन्हें सुनकर आप खुशी से गदगद हो जाएंगे। परंतु दोस्तों आप शिव को बता दें कि यश में आपको 6 चीजों से दूर रहने होंगे, 6 लोगों से बचकर रहने होंगे। जी दोस्तों, तो आइए दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं भगवान श्री कृष्ण के एक बहुत ही प्यारे ज्ञान से कि दोस्तों भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त को यह ज्ञान देते हैं कि कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, सीढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण का यह ज्ञान सुनते ही उनका भक्त खुशी से प्रसन्न हो गया। तो दोस्तों अगर आपको भी भगवान श्री कृष्ण का यह ज्ञान अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें और के लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आइए दोस्तों के साथ बात करते हैं कि 28 मई से लेकर 6 जून के समय में आपको कौन कौन सी बड़ी खुशखबरियां मिलने वाली है। दोस्तों यश में ग्रह गोचर आपके लिए उत्तम परिस्थितियां बना रहा है। दोस्तों समाज व फिर परिवार में आपका यश में मान सम्मान बढ़ेगा। भाइयों के साथ चल रहा कोई विवाद भी यश में समाप्त हो रहा है। दोस्तों यश में संबंध दोबारा मधुर हो जाएंगे और आपका रुका हुआ व फिर सरकारी काम जो है यश में बनने का उत्तम समय है। अनुकूल परिस्थिति है आपके लिए। यश में आपका सभी रुके हुए काम बनने वाले हैं। इसके साथ ही दोस्तों यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में अत्यधिक भावुकता की वजह से नुकसानदायक स्थितियां बन सकती है। ये भावुकता आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है तो इस पर ध्यान दें। यश में कोई भी निर्णय प्रैक्टिकल होकर ही लें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। दिल के बजाय दोस्तों इसमें आपको दिमाग से निर्णय लेना आपके लिए उचित रहेगा। तो दोस्तों इस बातों पर आपको इसमें गौर करना चाहिए। अगर घर में कोई निर्णय संबंधी कार्य चल रहा हो तो दोस्तों उनमें विघ्न आने जैसी आशंका भी लग रही है। इसको उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे दोस्तों आपको बता दें कि पैसे से संबंधित समस्याएँ कम होने लगेंगी। फिर भी दिन की शुरुआत में कुछ बड़ा सा
आपका जो खर्चा हो सकता है दोस्तों, ये आपका आत्मविश्वास भी यश में कम कर सकता है। दोस्तों नकारात्मक परिस्थितियों से बाहर निकलने का प्रयास करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि अपनी दिनचर्या तथा व्यवहार में कुछ परिवर्तन भी आप लाएंगे। सभी कार्यों को व्यवस्थित रूप से करने में तथा समन्वय बनाकर रखने में कामयाबी रहेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि निवेश संबंधी मामलों पर अधिक ध्यान केंद्रित रखें, क्योंकि यश समय धनदायक परिस्थितियां बनी हुई है। इसको बराबर दोस्तों यश में परिवार के सदस्यों को उनके तरीकों से कार्य करने ही दें, ये आपके लिए बेहतर होंगे तथा उनका सहयोग करें। दोस्तों इनसे उनका आत्मबल भी बढ़ेगा। घर के किसी वरिष्ठ सदस्यों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता भी रह सकती है तथा कुछ महत्वपूर्ण काम भी यश में रुक जाएंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में किसी बात पर जरूरत से अधिक विचार करने की वजह से जब मौका का फायदा उठाना होता है तब आप उस पर काम नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों अधिक संयम रखना भी आपके लिए यश में हानिकारक हो सकता है, इसलिए दोस्तों वक्त पर निर्णय लेना भी यश में आपको सीखना चाहिए। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि अगर घर में नवीन या फिर रख रखाव संबंधी कुछ योजना बन रही है तो दोस्तों उसे क्रियान्वित करने का उचित समय होगा। यश में फाइनेंस से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय के भी सकारात्मक परिणाम आपको मिलेंगे। दोस्तों व फिर परिवारों के साथ कुछ मनोरंजन संबंधी प्रोग्राम भी बन सकते हैं जिससे मन आपका प्रफुल्लित रहने वाले हैं। इसके उपरांत दोस्तों अपनी भावुकता और उदारता पर आपको संयम रखना चाहिए, कोई आपकी इन कमजोरियों का फायदा उठा सकता है, इस बात पर इसमें आपको गौर करना चाहिए। किसी के साथ भी बहुत अधिक विवादों में आप ना पड़ें और अपने काम से ही आप मतलब रखें। दोस्तों यश में इन बातों पर आपको गौर करना चाहिए। रिस्क लेने की प्रवृत्ति से आपको यश में दूर रहने की आवश्यकता होगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके द्वारा नए व्यापार में लिए गए जो भी प्रयत्न हैं उनमें किसी के द्वारा बाधा भी डाली जा सकती है, इसलिए दोस्तों काम में संबंधित बातों की चर्चा आप किसी और से ना करें। जीवन में आगे बढ़ने के लिए मित्र परिवार से कुछ आप सहयोग भी ले सकते हैं, उनका महत्वपूर्ण सहयोग आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली रहेगा। अपेक्षा के अनुसार आपको इसमें उनका साथ भी प्राप्त होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि बच्चे की किसी समस्या का समाधान भी मिलने से तनाव से आपको राहत मिलेगी। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद व फिर मार्गदर्शन आपके लिए इसमें भाग्य में वृद्धि करेगा। दोस्तों आपकी कार्यकुशलता में भी इसमें बढ़ोतरी होने वाली है। घर में कोई मांगलिक आयोजन संबंधी कार्य भी संपन्न हो सकता है। अगर दोस्तों यश में खर्चों पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो आपका बजट गड़बड़ा सकता है तथा दोस्तों अपनी ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग करें। गुस्सा और फिर जल्दबाजी करना आपके लिए यश में आपके बनते कार्यों में भी विघ्न डाल सकता है, तो इस बात पर ध्यान दें। यश में आर्थिक मामलों में भी अधिक से अधिक ध्यान देने की जरूरत होगी। इसके उपरांत दोस्तों आपको बता दें कि यश में स्वभाव के जो पहलू आपके लिए फायदेमंद नहीं है ऐसे स्वभाव में बदलाव लाना आपके लिए यश में संभव होगा। अपनी पर्सनालिटी को बदलने के लिए किए गए प्रयत्न आपको सफलता दिलाएंगे। परिवार के प्रति आपकी जिम्मेदारी को पूरी करने की आपकी कोशिश इसमें आपके द्वारा किए जा सकते हैं। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें अर्थात आपके व्यवसाय की, तो दोस्तों यश में अपने कार्य क्षेत्र में जो नई नीतियाँ और योजनाएँ बनाई है उन पर पूरी मेहनत से काम करें। दोस्तों आने वाले दिनों में आपको लाभदायक स्थितियाँ इनमें देखने को मिलेंगी। कंप्यूटर तथा मीडिया से जुड़े व्यवसाय में नए अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि यश में कार्य क्षेत्र में अपनी योजनाओं तथा कार्य प्रणाली को सीक्रेट रखें, अन्यथा कोई कर्मचारी ही आपकी सूचना लीक कर सकता है। दोस्तों यश में नौकरी में परिस्थितियां बहुत ही अनुकूल बनी हुई है। दोस्तों ऑफिस में भी शांतिपूर्ण तथा पॉजिटिव वातावरण बना रहेगा। इसके साथ दोस्तों यश में होटल इंडस्ट्री से जुड़े जो भी लोग हैं अपने व्यवहार को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे उनमें आपको सफलता मिलेगी और मार्केटिंग के नए मार्ग भी आपको इसमें अपनाने होंगे। इसके साथ दोस्तों यश में आपकी करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि यश में कोई भी डील या फिर लेन देन संबंधी कार्य बहुत ही अधिक सावधानी से करें। दोस्तों किसी के द्वारा विश्वासघात होने की आशंका भी बन रही है, साथ ही किसी ऑर्डर के रुक जाने से भी आपका नुकसान हो सकता है और यह नुकसान को आपको इसमें सहन भी करना पड़ सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि मीडिया संबंधी बिजनेस में कोई नई उपलब्धि भी आपको हासिल होगी। कला और रचनात्मक कार्यों से संबंधित लोगों को कोई नया अनुबंध भी यश में मिलने की संभावना बन रही है। स्टॉक मार्केट से जुड़ा जो भी लोग हैं यश में आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी।
इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें अर्थात आपके पारिवारिक जीवन की, तो दोस्तों यश में पति पत्नी के संबंध मधुर रहेंगे। बच्चों के करियर से संबंधित कोई शुभ समाचार भी आपको मिल सकता है। विवाहतर प्रेम संबंध भी बदनामी का कारण बन सकता है, तो दोस्तों यश में इनसे आपको सचेत रहने की आवश्यकता होगी। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें पति पत्नी के बीच चल रही गलतफहमियां भी दूर होंगी, संबंधों में पुनः मधुरता आएगी, घर में भी अविवाहित व्यक्ति का रिश्ता तय होने की संभावना यश में बन रही है। इसके साथ ही दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि प्रेम संबंधों को पारिवारिक स्वीकृति भी मिल जाएगी तथा पति पत्नी के बीच भी भावनात्मक संबंध और अधिक मजबूत बनेंगे। इसके साथ दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि परिवार में सुख शांति भी बनी रहेगी। घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और स्नेह आपके घर के वातावरण को सुखमय बनाकर रखेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी स्वास्थ्य यानी हेल्थ को लेकर बात करें, तो दोस्तों यश में ज़्यादा तनाव और फिर नकारात्मक विचारों की वजह से मनोबल में कमी आप महसूस कर सकते हैं। सकारात्मक लोगों के सानिध्य में रहें तथा उत्तम साहित्य पढ़ें। दोस्तों ये आपके सेहत के लिए इसमें बेहतर साबित होंगे।